इन दिस वीडियो हम बात करेंगे दूसरे आयनाइजिंग डिवाइस, कैसे वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, हाउ डू दे मैन्युफैक्चर और किस तरीके से वो मार्केट करते हैं अपना प्रोडक्ट। एनर्जिक को इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड मिला है। एनर्जिक इज सर्टिफाइड एज ए मेडिकल डिवाइस इन जापान। जापान में इसे मेडिकल डिवाइस करके सर्टिफाइड किया गया है और 300 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में एंड 32,000 रेस्टोरेंट्स ग्लोबली इसे यूज किया जाता है। एनर्जिक इज द ओनली ट्रू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी इसके सारे इक्विपमेंट, इसके सारे पुर्जे, इसके सारे पार्ट्स एनर्जिक खुद जापान में मैन्युफैक्चर करती है। इसके ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब है, इंक्लूडिंग इंडिया। एनर्जिक के हर एक पार्ट्स को मैन्युफैक्चर खुद तो करती है, बट ईच एंड एवरी मशीन इज असेंबल्ड बाय अ यूनिक वन टेक्नीशियन इन द कंपनी। इट्स अ हैंड क्राफ्टेड मशीन। जी हाँ, हाथ से इंडिविजुअली बनाया जाता है इसे। इस प्रोसेस से इसके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पे कंट्रोल किया जाता है। अब एनर्जिक अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कैसे करती है? इट डज नॉट डू एनी एडवर्टाइजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट एनीवेयर। सारा मार्केटिंग जो है ये इंडिपेंडेंट एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी होल्डर्स कह सकते हैं। फ्रेंचाइजी ओनर खुद इसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करता है और लोगों को इसके यूसेज और बेनिफिट्स के बारे में एजुकेट करता है। एनर्जिक के मार्केटिंग के फंडामेंटल्स है ट्रुथ, इंटीग्रिटी और फैक्ट्स। जी हाँ, अपने खुद के अनुभव और सच्चाई पे इसके मार्केटिंग फंडामेंटल्स आधारित है। मोस्ट ऑफ द आयनाइजिंग कंपनी जो अभी मार्केट में है वो खुद कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो रिसेलर्स और असेंबलर्स हैं। लेकिन डेफिनेटली वो क्लेम करते हैं कि वो सारा कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। आज इंटरनेट पे आपको दिखेगी इनकी मार्केटिंग जो झूठ, डिसेप्शन, यू नो, एक माहौल बनाया जाता है और उसे बेचा जाता है और समटाइम्स कंप्लीट झूठ के आधार पर मशीन्स को बेची जाती है। इस प्रकार के मार्केटिंग को प्रीडेटर मार्केटिंग भी कहा जाता है। एक डर पैदा करके उन्हें बताया जाता है कि उनका प्रोडक्ट क्यों एनर्जिक से बेटर है, क्यों एनर्जिक एक गलत कंपनी है और उनकी कंपनी सबसे अच्छी है। इस तरीके से ही इन्हें मार्केट किया जाता है। वेयर एल्स एनर्जिक का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या एनर्जिक कभी भी दूसरों के बारे में, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में कहीं पर भी बात नहीं करती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बायर्स। देखिए, इंटरनेट पे जो जिसे मन में आया वो डाल सकता है। हमें एज ए बायर, हमें एज ए कंज्यूमर इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देयर आर नो इंटरनेट पुलिस, यू नो दैट। दूसरे आयनाइजर्स के बारे में जरूर आपको कुछ मार्केटिंग लिटरेचर्स, कुछ ब्लॉग्स मिलेंगे, बट वो इंडिपेंडेंट इंसानों से नहीं लिखा गया है। एनर्जिक ये सारी चीजें नहीं करती। अब इस पिक्चर में देखिए, जो लेफ्ट में दिख रहा है एनर्जिक का SD501 का प्लेट इंजन है, इलेक्ट्रोलिसिस का इंजन है। हमारा यूनिट ओपन किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली इसे क्लीन किया जा सकता है और सर्विस किया जा सकता है। और राइट साइड में जो दो आयनाइजिंग या इलेक्ट्रोलिसिस इंजन दूसरे कंपनी के दिख रहे हैं वो एक सील्ड है, वो सील्ड किया गया है, उसे ओपन नहीं किया जा सकता है, उसे सर्विस नहीं किया जा सकता है। हम सॉलिड मेडिकल ग्रेड प्लेट्स यूज करते हैं और दूसरे जो है मेश प्लेट पे काम करते हैं। कंपेयर टू अदर्स एनर्जिक 4 गुना मेटल यूज करता है, वो भी मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम, जिसे प्योर प्लैटिनम में डिप किया जाता है। 230 वॉट्स कंटिन्यूस पावर दिया जा सकता है एनर्जिक मशीन्स में और दूसरों में 100 वॉट्स, वो भी SMPS ऑन ऑफ पावर सिस्टम। SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी वो ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। अगर 5 मिनट तक अगर कोई भी पानी आप रन करता है एक SMPS पावर सिस्टम में, हाफ द टाइम देर इज नो पावर इन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। एनर्जिक के हर एक मशीन में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है फॉर आयोनाइजिंग वर्सेज एनी काइंड ऑफ अदर केमिकल्स। दूसरे मशीन में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे मशीन के अंदर 2 फिल्टर्स हैं। पहला वाला इम्प्यूरिटीज़, कचरा जो है पानी में से फिल्टर कर लेगा, और जो दूसरा फिल्टर दूसरे मशीन्स में लगाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऐड करते हैं। हम 5 साल की वारंटी देते हैं वर्सेज बाकी के मशीन्स तो लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की लाइफ टाइम वारंटी किस तरीके से दी जा सकती है? गॉड नोस। लाइक मोस्ट ऑफ द जैपनीज इक्विपमेंट, एनर्जिक जापान आपको आपके पैसे का कंप्लीट वैल्यू देता है। अक्सर इंटरनेट पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करके घुमा फिरा के चीज़ें बताई जाती है। वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर्स जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वो स्विच मोड पावर सप्लाई जो है ये एनर्जी एफिशिएंट है। इट्स नॉट ट्रू। SMPS सिस्टम जो है ये लेस स्टेबल है, वो स्लो रिस्पॉन्ड करता है और एक खराब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। SMPS ये हल्का होता है और इसलिए मैन्युफैक्चरर को शिपिंग कॉस्ट बचाने में मदद होती है। एनर्जिक जो ट्रांसफार्मर सिस्टम यूज़ करती है वो मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है बिकॉज वो रिलायबल है, वो स्टडी है, स्टेबल है और क्लीन इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है। नो डर्टी इलेक्ट्रिसिटी।
डिवाइस के अंदर पानी जाने का जो पाइप यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अदर्स यूज अ वेरी नैरो ट्यूबिंग, यानी पतला ट्यूब यूज करते हैं, जिससे पानी को स्लो डाउन करने में मदद होती है। उनका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अगर ज्यादा फ्लो पानी का आ जाए तो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। हमने देखा है कि दूसरे मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मिनट के फ्लो के बाद बंद हो जाएगी, बिकॉज दे कैनॉट हैंडल द हाई आयोनाइजिंग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिफरेंस क्लियर है। देखिए, मैश स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो है उनके ऊपर मिनरल डिपॉजिट हो जाता है, वो सील्ड है और कैनॉट बी सर्विस्ड, यू नो, इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाता है। यूसेज के थोड़े ही महीनों में देखिए वो प्लेट्स की हालत क्या हो गई है। अगर क्लीनिंग नहीं हो तो प्लेट्स डेफिनेटली मेल्ट डाउन हो जाएगा। डिफरेंस जो है एब्सोल्युटली क्लियर है। देखिए, एनर्जिक के प्लेट्स बड़े हैं, सॉलिड है और सर्विसेबल है। हमारे डिवाइस में 4 लेवल ऑफ क्लीनिंग है, एंड दीज आर द रीजंस एनर्जिक मशीन्स लास्ट सो लॉन्ग। इन्हीं कारणों की वजह से एनर्जिक के कोई भी इक्विपमेंट इतने लंबे अरसे तक चलता है। आइए देखते कुछ पॉइंट्स। मशीन के यूज होने के हर 15 मिनट के बाद में मशीन अपने आप को क्लीन कर देती है। जी हाँ, रिवर्स पोलैरिटी के थ्रू प्लेट्स का अपने आप ई क्लीनिंग हो जाता है। महीने में एक बार एनर्जिक का पेटेंटेड क्लीनिंग कार्ट्रिज जो है उसे ओवरनाइट डिप करके रख दीजिए, जिसका कॉस्ट लगभग अराउंड 100 रुपये पड़ता है। जी हाँ, ओनली 100 रुपीज। साल में एक बार इंडिपेंडेंटली उसका डीप क्लीनिंग किया जा सकता है, जिसमें 5 से 6 क्लीनिंग पाउचेस लगते हैं, यानी अराउंड 350 से 400 रुपए में आपका कंप्लीट डीप क्लीनिंग ऑफ द मशीन हो सकता है। साल में एक बार 350 रुपए का डीप क्लीनिंग, दैट्स इट। मशीन का लाइफ है 15 से 20 साल, यानी उसके इंटरनल प्लेट्स को 15 to 25 years तक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो है वो लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा करके आपको 15-20 years के बाद में एक नई मशीन दे सकते हैं। यानी लगभग 15 सालों में एक नया एनर्जिक डिवाइस रीबिल्ड किया जा सकता है। अब एनर्जिक कैंगन जो है दुनिया का इकलौता आयोनाइजिंग कंपनी है जो गोल्ड सील, NSF, ANSI सर्टिफिकेशन मिला हुआ, यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के वाटर क्वालिटी का सील मिला हुआ है। एनर्जिक कैंगन जो है दुनिया का इकलौता आयोनाइजर है जिसे गोल्ड सील मिला हुआ है। एक्चुअली हमारे पास 3 सर्टिफिकेशन है, WQA गोल्ड सील, NSF और NC सर्टिफिकेशन। NSF नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन। आप WQA.org के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। बाकी मैन्युफैक्चरर्स लोगों के पास में ये कुछ नहीं है। दुनिया भर के अवार्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड रिकॉग्निशन एनर्जिक को मिला है। एक कॉमन क्वेश्चन है, ये आयोनाइज्ड वाटर को बॉटल में पैक करके स्टोर में क्यों नहीं बेचा जा सकता है? अभी मार्केट में जो भी pH वाटर बेचा जाता है इज नॉट एक्चुअली आयोनाइज्ड वाटर। उनमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है और वो सुपर हाइड्रेशन भी नहीं देता बिकॉज ऑफ नॉन माइक्रो क्लस्टर। कैंगन वाटर एक चार्ज्ड एल्कलाइज्ड पानी है जिसमें उसका माइक्रो क्लस्टर फैक्टर और एंटीऑक्सीडेंट्स 48 आवर्स तक ही रह सकते हैं। डेली कैंगन का फ्रेश पानी पीने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कंपटीशन फैक्ट्स की एक समरी। देर आर नो इंडिपेंडेंट वाटर आयनाइजर रिव्यूज ऑनलाइन। इंडिपेंडेंट किसी इंसान ने दूसरे आयनाइजिंग मशीन के बारे में कोई भी रिव्यू नहीं मिलेगा। मिनरल स्केलिंग यानी मिनरल डिपॉजिट्स जो है पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम से क्लीन किया जा सकता है। दूसरे 1 साल के अंदर अंदर वो क्वालिटी का पानी देना बंद कर देते हैं। एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज बायस्ड। दूसरे कंपेटिटर्स जो है ये डिस्टिलर्स या रिवर्स ऑस्मोसिस पानी को प्रमोट करते हैं। अगेन, देर आर नो इंटरनेट पुलिस, इसलिए जिनको जो कहना है वो बोल सकते हैं। वी नेवर से एनीथिंग अबाउट अदर्स। हम अपने खुद के एक्सपीरियंस के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। आइए सुनते हैं MD डॉक्टर तुकाराम आवले, जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, इनका कैंगन के बारे में क्या कहना है। इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो विटामिन सी जो है वो -100 ORP है और हमारा जो पानी है -400 से -800 ORP है। मतलब विटामिन सी से कई गुना ज्यादा उसकी पावर है।